कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम आपको लेके चलते हैं पहाड़ों पर। चलिए सीधा चलते हैं पहाड़ों पर। कैसे आप सब, आज एक और ब्लॉग लेके आ रहे हैं हम। यहाँ पे आज आउटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे तो माउंट थर्बे में पहुँचे हैं। यहाँ पे कैंपिंग करेंगे। भाइयों को देख लो पीछे सारे, हाई कर दो सारे। तो यहाँ पे कैंपिंग करेंगे। नदी शायद दिख रही होगी आप लोगों को, नदी भी यहाँ पे आसपास है। यहाँ पे हम कैंप करेंगे, ऊपर ट्रैक करने जाएंगे और बाकी नज़ारे दिखाते हैं आपको। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पंप के द्वारा गद्दा फिल किया जा रहा है। ये हमारे दोस्त कर्टेसी ऑफ चौधरी साहब आते हैं दिल्ली से। मस्त मजमा कनेक्ट कर रखा है। वहाँ पे टेंट भी दिखाइए, एक टेम्प्रेरी घर हमारे पास यहाँ पे रेडी हो चुका है। और साथ में ये देखिए, इलेक्ट्रिकली फिलअप किए जाएंगे, कोई पंप मारने की कोई ज़रूरत नहीं। थैंक यू बोल लिए जनता। थैंक यू भाई। तो दोस्तों, ये द ऑफिस ऑफ टूरिज्म में हम आए और यहाँ पर हमने इनसे इन्फॉर्मेशन ली। तो इन्होंने हमारे को सजेस्ट किया कि लगौक लाचूख आप ज़रूर जाएं। ये आपको मैप वगैरह भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, आप एक डिटूर भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ट्रैक शुरू करने से पहले हमने थोड़ी बहुत सप्लाई भरी है अपनी, मतलब खाने का सामान भरा है। ये पीछे आपको कारफोर दिख रहा होगा अभी, तो इसमें से हमने अपना बेसिक अपना खाने का सामान लिया, जैसे कि ब्रेड हो गई अपनी, थोड़ी बहुत चिप्स वगैरह हो गए, थोड़ी ड्रिंक्स हो गई। तो उससे तो बगैत भी ले लिया जो आपको हमने अपनी वीडियो में दिखाया था। तो अब हम चलते हैं ट्रैक की ओर, और ट्रैक है बहुत लंबा, तो अब हम आपको दिखाते हैं। चलिए, यहाँ पे बैरियर था ट्रैक शुरू करने से पहले, तो अब हमने एंट्री पॉइंट से एंट्री ले ली है। तो चलो दोस्तों, दिखाते हैं आपको आगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा जलपान कर लेते हैं। तो ये हमारे दोस्त क्या लाए हो वहाँ से? दोस्तों ये देखिए, उपमा खरीद लिया है फ्रांस के अंदर। उपमा ये बोलते नहीं, कुछ बोलते हैं वैसे इसको, पर हम इसको उपमा ही बोलेंगे क्योंकि है उपमा ही, सूजी और सब्जी का बना हुआ है। हमारे मित्र भी गण भी खा रहे हैं। यहाँ पे चम्मच नहीं लाए तो कागज का चम्मच बना दिया, देखिए। तो अभी खाना खा के आगे चलते हैं। दोस्तों, यहाँ से शुरू करते हुए हम ये ट्रैक, लेट्स गो। दोस्तों, तो जैसा कि हम कह रहे थे कि हम हाइक और ट्रैक शुरू करेंगे, तो इस ट्रैक का नाम है ला घूस आ सेतोख, मतलब 7 घंटे का रूट। तो वो ये ट्रैक होने वाला है, इस रास्ते जाएंगे। एक कलर कोड आपको दिखाना चाहेंगे, हमारे प्रिय मित्र ने अभी हमें बताया है। ये यहाँ पे भी लगी हुई है, जब भी ये वाला साइन आए,
और ये भी साइन देखें तो मतलब आप सही जा रहे हैं, तो आपको ये तो आपको ये मार्कर यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे। अच्छा ये रास्ता है पूरा? हाँ मतलब डायरेक्शन बताता है कि इस साइड नहीं जाना है, इस साइड जाना है। अच्छा जंगली जानवर भी मिल सकते हैं। चलो सो यही यहीं पे हम अब हाइक यहाँ से शुरू करेंगे, देखते हैं कितनी देर में कवर होता है। रात से तो मतलब 7 घंटे कह तो रखा पर पता नहीं कितने हमें लगभग लगभग 28 से 30 किलोमीटर की जर्नी है। 28 से 30 किलोमीटर की जर्नी है। क्या बात, ये हमारा दोस्त पहले आ चुका है तो अब चलते हैं दोस्तों आगे। लगभग 4 किलोमीटर का सफ़र हो चुका है, हमारे एक भाई को ज़्यादा बारिश लग रही है तो वो छाता लेके खड़े हो चुके हैं। काफ़ी बारिश हो गई है, देख रहे हैं पसीना से भीग गए हैं। जी बिल्कुल, पसीना आप देख सकते हैं सभी के चेहरे पे कितना आ चुका है। चेक पॉइंट पता नहीं कौन सा है, ये यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं इतना आर्कियोलॉजिकल समथिंग, आर्कियोलॉजिकल समथिंग बिल्कुल भाई ने कह दिया, पढ़ा लिखा है तो उतना हो चुका है। अब आगे चलेंगे, अगली तरफ का भी आपको व्यू दिखाएं तो बहुत ही बेहतरीन व्यू है, एक बार देखिए आपको दिखाते रहेंगे क्लिप्स। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं अपने सेकंड पॉइंट पर, अब इससे आगे चलते हैं और फिर बीच में आपको जर्नी दिखाते हैं। दरवाजा दिखेगा, 2-3 दिखेंगे, उसमें से आपको डिसाइड करना है। रखा है यहाँ तो बारिश भी नहीं हो रही है, छाता इसलिए लगा रखा है क्योंकि बहुत गर्मी है तो काउंटर प्रोडक्टिव लग रहा है फिलहाल। देख सकते हैं सबका पसीना भीगा हुआ है कुछ ज्यादा, छाता बचा लेगा तुमको, थर्मल से बचाएगा। लास्ट पॉइंट था यहाँ पे, आप देख सकते हैं काफ़ी रॉकी टाइप फॉर्मेशन है। हम कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि दिखाएं इधर उधर भी किस किस्म के रॉक्स हैं यहाँ पे, और इस तरफ भी सिटी के साइड का भी व्यू दिखाया जाए हल्का सा। तो ये एंड पोजीशन है इस ट्रैक की और हल्की बहुत ही आप यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग टाइप भी कर सकते हैं। लगभग 7 घंटे का ये ट्रैक रहता है, इसका नाम ही ट्रैक है जो 7 घंटे का है, लेकिन अभी हमने लगभग एक तरफ इसकी 2.5 से 3 घंटे के अंदर पूरी कर ली है। अगर मैं काउंट ना करूँ जिस पार्ट पे हमने फ़ोटोज़ वगैरह खींची तो आप वही एस्टिमेट लगा सकते हैं कि लगभग 2.5-3 घंटे में ये हो जाएगा, और इतना ही लगभग वापस भी होगा क्योंकि थोड़ा बहुत कहीं पे ग्रेडियंट निचली तरफ है, कहीं थोड़ा चढ़ाई भी आएगी आपके लिए। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग भी कर रहे हैं कुछ लोग, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड दैट कैन ऑल्सो हैपन। व्हाट से? या इट कैन हैपन बट यू विल हैव टू ब्रिंग योर ओन रोप। That's right, you have to bring your gear and with proper safety and helmets, everything is possible. Yeah, and better come with a guide, like, you know, the guide who can train you or can tell you about the safety. That's right, safety first. तो दोस्तों आ चुके हैं हम पहाड़ों की चोटी पर अब, और आप जैसे कि अभी देख सकते होंगे कि हमारा भाई कितने आराम से हमारे लिए सैंडविच बना रहा है। तो हम नीचे से एपी से लाए थे, मतलब मिर्च वाली सॉस जो है ये लाए थे, और साथ ही लाए थे हम बर्गर का की ये चीज़ और लगा के सैंडविच पर इसको बीच में रखकर अभी हम खा रहे हैं। तो चलो दोस्तों दिखाते हैं आपको आगे। दोस्तों हम जो ये हाइक पे आए थे रॉकला 2 वाली पे, तो इसमें जो पत्थर वाला एरिया था वो हमने कवर कर लिया है, आप बोर्ड पे देख सकते हैं यहाँ पे पूरा एक डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है यहाँ का। इसके बाद हम वापस जाएंगे ये पूरा हाइक कंप्लीट करने के लिए, और आगे काफ़ी
वाटर वेज वगैरह और वाटर क्रॉसिंग भी आने वाली है, तो चलते हैं। Yes guys, yes. बहुत अच्छा एडवेंचर करते हो तुम। चलो तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जंगली मशरूम भी है हमारे पास, ये हमने अभी चलते चलते देखा है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, इसके कलर में देख सकते हैं कितना विचित्र इसकी प्रिंटिंग वगैरह जो भी है, लेकिन जितना ये अट्रैक्टिव लग रहा है, आपसे अनुरोध ये रहेगा कि इसको खाइएगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मशरूम होते हैं जो काफ़ी जहरीले हो सकते हैं, तो हम नहीं चाहते हम ट्राई करने और यहाँ पे मशरूम खा के मर जाएं। हाँ दोस्तों पहुंच चुके हैं हम ऊपर चोटी पे, और आप देख सकते हैं कि पूरा शहर इस पे से दिखेगा। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पेनिनसुला है, ये जगह मोंटे में। पेनिनसुला का मतलब होता है प्रायद्वीप। तो ये तीन तरफ से लगभग पानी से सराउंडेड है, तो आपको थोड़ा ऐसा लग सकता है कि ये टापू है, इसलिए इसको पेनिनसुला कहा जाता है। और काफ़ी रिच हिस्ट्री है इस जगह की, तो वही हम देखने के लिए यहाँ पहुँचे थे। बल्कि जो व्यू भी आप अभी इस टाइम देख रहे हैं, बहुत ही क्लासिक और काफ़ी फेमस है फ्रेंच हिस्ट्री और हाइकिंग के लिहाज से। तो ज़रूर आइएगा दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही अच्छा व्यू है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा गोल है नदी सब। बेल्जियम से आती है, मुझे ये नहीं मालूम कि यही वो स्पेसिफिक नदी है, पर ये बेल्जियम से आती है। और जब वर्ल्ड वॉर टू के दौरान यहाँ पे वॉर वगैरह भी छेड़े थे, तो जर्मन आर्मी ने यहाँ पे इनके ऊपर फतेह पाने की हासिल की थी। तो ऐसे ऐसी स्टोरीज भी यहाँ से एसोसिएटेड है, जैसे ये अभी और चर्च वगैरह, तो वो भी आप यहाँ पर आके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो शहर है मोंथर में, इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो कुल 2100 लोगों की है। हमें देखने से तो लग नहीं रहा, पर यहाँ के जो डाटा और स्टैटिक्स हैं वो इसको बताते हैं। तो जैसे कि अभी आप देख सकते होंगे शहर, हम आपको शहर दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पीछे देखो कितनी सारी वैन्स हैं। तो ये जो जितनी भी वैन्स हैं यहाँ पे, सब लोग अपनी वैन्स कैरावैन्स लेके अपना पूरा वेकेशन मनाने आए अपने फैमिली के साथ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे टेंट्स वगैरह लगे हुए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा लोग तादाद में आए हैं, और ट्रैकिंग भी बहुत ज़्यादा लोगों ने की है हमारे साथ। तो यहाँ पे लोगों का वेकेशन मंथ चलता है बेसिकली आपका मई जून जुलाई, और सितंबर में ये सब अपने अपने काम पे चले जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम जैसे अब बारबेक्यू पे आए, तो बारबेक्यू बना के दिखाएंगे आपको। बीरबल की खिचड़ी वाली बात है भाई ये। गाइस ऐसे आपको बारबेक्यू करना पड़ेगा। अच्छा, नए व्लॉगर इन द टाउन है, नए व्लॉगर इन द टाउन, जस्ट अ हेल्पफुल गाय नो। कोई बात नहीं, मांगने की कोई बात नहीं है, बुरी नहीं है, मांगना चाहिए आदमी, इंसान इंसान बात तो सही।